नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज पहले हम बात करेंगे कैबिनेट के अहम फैसले की, जिसके तहत पृथ्वी विज्ञान से जो नया ज्ञान मिलने जा रहा है। जो यहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है। और इस योजना की कुल लागत की अगर बात की जाए तो करीब 4,797 करोड़ रुपये इसकी लागत रहेगी। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उपयोजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं, साथ ही महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, वहीं ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, और इसके साथ ही भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान भी, जबकि अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और इसका आउटरीच भी, यानी ये प्रमुख तरह की उपयोजनाएं हैं। वहीं व्यापक ये जो पृथ्वी योजना है, इसके उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसके तहत आपको बता दें, पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक नक्शों का समर्थन रखरखाव किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया पृथ्वी योजना को लेकर। वर्ष 2021 से 26 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए 4,797 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो दी गई है। इस योजना में 5 चल रही उपयोजनाएं जो हैं वो शामिल हैं। इनकी अगर बात की जाए तो वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, यानी क्रॉस, इसके साथ ही महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, यानी ओ स्मार्ट करके, और साथ ही ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर जिसे कहा जाता है, और साथ ही अगर बात की जाए भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान की, यानी SAGE की, तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला रहा है। और अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच, यानी रीच आउट को लेकर किस तरीके से जो ये योजना है वो काफ़ी लाभकारी रहेगी, इस बारे में आइए और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। डॉक्टर विजय कुमार जी का सलाहकार हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। डॉक्टर विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो ये महत्वपूर्ण योजना है पृथ्वी योजना, इसके जरिए किस तरह का जो लाभ है आने वाले समय में वो मिलेगा, और मुख्य उद्देश्य आपसे भी हम जानने चाहेंगे इसके। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे आपने बताया जी, आज मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई उसमें पृथ्वी विज्ञान जो एक हमारी स्कीम है उसको मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। इस मीटिंग में, इस कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है, इसमें 5 सब स्कीम्स इन्वॉल्व हैं। जो बेसिकली अगर आप बात करें तो एक जो है वो एटमॉस्फेयर एंड वेदर के रिलेटेड है जी। जो सब स्कीम है वो ओशन के रिलेटेड है, समुंदर के रिलेटेड है। एक स्कीम जो है पोलर रीजन के रिलेटेड है, जो कि अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिमालय को कवर करती है जी। एक जो स्कीम है वो हमारी जो भू विज्ञान और जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं उसके डील करती है जी। और एक जो फिफ्थ स्कीम है वो है रीच आउट, जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, या हम ट्रेनिंग देते हैं, या कुछ हम एक्स्ट्रा मूरल फंडिंग करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, IITs को। तो ये सब 5 सब स्कीम जिसमें कवर होती हैं जी। और इसका मेन उद्देश्य ये है भी जो भी हम एक्टिविटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में पृथ्वी विज्ञान में करते हैं, उसका मेन एम है हम पहले डाटा ऑब्जर्व करते हैं, वो चाहे वेदर का हो, चाहे एटमोसफियर का हो, चाहे ओशन का हो, चाहे अर्थ साइंसेज का हो, फिर हम उसका मॉडलिंग करते हैं। एक बार जब हमारा मॉडल तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको यूज़ करते हुए उसके आगे एप्लीकेशंस, सर्विसेज क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल होता है जी। तो ये जो 5 स्कीम है इसी में हम यही करने वाले हैं। हम एटमॉस्फेयर में डाटा कलेक्ट करते हैं, ओशन में डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हम यूज़ करते हैं जी। और उसको फिर सोसाइटी में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यानी विजय जी अगर सरल शब्दों में हम समझे तो सटीकता जो है वो और ज्यादा होने जा रही है अब जी। क्योंकि इसमें हम, जैसे आपने बोला, हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं जी, और इस स्कीम में हम कुछ जो ऑब्जर्वेशन जहां जहां पे अभी गैप है जिस एरिया में,
वो चाहे आप लैंड के ऊपर हो, चाहे वो ओशन में हो या पोलर रीजन में हो, जी उसको हम फिल करने जा रहे हैं। हम डाटा अपना ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करने जा रहे हैं, और जितना जितना डाटा इंक्रीज होगा, गैप खत्म होगा, जी ओसे ओसे जो हमारी मॉडलिंग अच्छी होती है, और उसके हिसाब से जो हमारी फोरकास्टिंग है, वो चाहे वेदर के रिलेटेड हो, साइक्लोन के रिलेटेड हो, या सुनामी के रिलेटेड हो, अर्थक्वेक के रिलेटेड हो, जो हमारी उसमें उतना वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल, तो ये बेहतर रहता है और किस तरीके से और अच्छा रहेगा, इस बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपसे हम यहाँ जानना चाह रहे हैं विजय जी। किस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि सटीकता तो बढ़ेगी जब हम पूर्वानुमान की बात करते हैं, लेकिन पिछले 8 से 10 सालों की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा बदलाव हमने देखा है, पृथ्वी विज्ञान की बात की जाए या दूसरी तरीके की जो साइंसेज हैं उसमें। जी, जैसे आपने बताया, पिछले 8-10 साल से हमने बहुत सारे नए ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाए हैं, हमने अच्छे कंप्यूटर, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो परचेज किए हैं, हमने अपना एरिया जो है बहुत जगह पे नया नया एरिया हमने कवर किया है, जैसे हमने पोलर साइंस में, अंटार्कटिका में, आर्टिक में हमने अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाई है, हिमालयाज में अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाई है। तो ये जी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, और हमारे को इंकरेजमेंट मिलता है काम करने के लिए, तो जी हम उसको यूज़ करके पिछले ऑलमोस्ट 8-10 साल में काफ़ी हमारी में अच्छी स्थिति रही है, और हम फ्यूचर में भी वी विल इंक्रीज आवर प्रोसीजर इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ बिल्कुल विजय और जी, और क्योंकि करेंगे। नीतियों का आपने जिक्र किया कि सरकार की जो नीतियां हैं वो भी काफ़ी प्रभावकारी रही हैं, और सरकार का फोकस भी रहा है कि जब हम नवाचार की बात करते हैं या किस तरीके से अनुसंधान की जब बात की जाती है, तो उसको लेकर भी हम देख पा रहे हैं कि इस पृथ्वी योजना में भी एक प्रमुख कारक है जो कि हमें नज़र आएगा, प्रशिक्षण और उसके साथ साथ अनुसंधान। जी, जैसे आपको पता है, हमारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम साइंस के रिलेटेड पृथ्वी विज्ञान में करते हैं, गलकर कुछ एरियाज ऐसे हैं जी विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे थे किस तरीके स्थिति रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना, बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर वैसे ही RBI का ऑम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काई को गुड़ता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरे पूरा समझने का फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी, NPS जरूरी है। माँ ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले की, जिसमें पृथ्वी विज्ञान योजना की जो मंजूरी है वो हमने देखी किस तरीके से दी गई है। डॉक्टर विजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उस पर जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर विजय, अगर खासतौर से देखा जाए, क्योंकि 2021 से लेकर 2026 तक इस दौरान भी हम देखेंगे कई बड़े बदलाव जो हैं वो हमें नज़र आएंगे और इसके लिए एक अच्छी राशि जो है वो भी सरकार द्वारा मंजूर की गई है, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए, मौसम की बात करें, जलवायु की बात की जाए, महासागर की बात करें या जो भूकंप विज्ञान की अगर बात खास तौर से की जाए, तो इसमें भी अब जो विश्वसनीयता है और ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हैं। फिर चाहे जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, चक्रवात की स्थिति की अगर बात की जाए या भूकंप की हम बात करें। आपने सही बोला जी, हम जितनी भी हमारी जो सर्विसेज हैं, जैसे हमारा साइक्लोन सर्विसेज है, साइक्लोन फोरकास्टिंग है, हमारा सुनामी वार्निंग है, अर्थक्वेक है, और हम और भी बहुत सारे सर्विसेज जैसे ओशन स्टेट फोरकास्ट हम बहुत सारे देते हैं, और लास्ट 10 साल से हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जी। और अभी अगर आप साइक्लोन का देखें तो वी आर द यू कैन से बेस्ट अमंग द यू कैन से जो वर्ल्ड में टॉप 5 जो प्रेडिक्शन करते हैं या फोरकास्ट करते हैं जी, हमारा उसमें नाम आता है। और हम करीब 1 हफ्ता पहले एग्जैक्टली बता सकते हैं भी ये अर्थ आपका जो साइक्लोन है ये कहाँ पे जाएगा, कितना उसका स्पीड होगा जी, ये कहाँ पे लैंड करेगा। तो ये अगर आप पिछले 15-20 साल पहले देखें तो उतना हमारा उतना अच्छा प्रेडिक्शन या फोरकास्ट नहीं था जी। वो तब ज्यादा इसलिए हुआ है, अभी हमने डाटा बहुत अच्छा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, हमारी जो कंप्यूटर की फैसिलिटीज है वो काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो भी रिजल्ट हम मॉडलिंग करते हैं उसका जो मेन डिपेंडेंट करता है वो आपका ऊपर डाटा के ऊपर डिपेंडेंट करता है जी। और जो लास्ट काफी सालों से हमारा जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं इसके सब मॉडलिंग करते हैं जी, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमने वो इसको इम्प्लीमेंट किया है सब स्कीमों में जी। बिल्कुल डॉक्टर विजय, लेकिन अब से बाद की स्थिति की अगर बात की जाए, 2026 की अगर खास तौर से हम बात करें, जब इस योजना का कार्यकाल लगभग पूरा होगा, तब किस तरह का जो बड़ा बदलाव है वो हमें नजर आ सकेगा? देखिए अभी जो हमारा अगर हम मौसम के बारे में बात करें जी, अभी तक जो हम जो अपना मॉडलिंग है जो फोरकास्टिंग है वो हम अगर आप टेक्निकल चीज में देखें तो हम 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर जो ग्रिड होती है उसमें हम फोरकास्ट करते हैं जी, है ना। तो उसमें जो बहुत सारे छोटे अगर आप एरिया में कुछ प्रेडिक्शन करना चाहें या फोरकास्ट करना चाहें तो वो हमारा फोरकास्ट उतना अच्छा नहीं होता है जी। तो हम जो अभी फ्यूचर में 2026 तक है इसको हम डिक्रीज करके 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर ग्रिड पे, और वी आर ट्राइंग टू गो मोर देन दैट जी इन दैट। तो हमारे को लगता है जो हमारा 2026 तक है जो हमारी प्रेडिक्शन है वो और भी अच्छी होगी। और सिमिलरली जो हम अपना पोलर साइंस में काम करते हैं, ओशन में करते हैं, ब्लू इकोनॉमी का तरीका है, हाउ टू टैप द ब्लू इकोनॉमी, उसमें भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जी। तो जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसमें काफी लगता है इम्पैक्ट आएगा बाय 2026। बिल्कुल, यानी काफ़ी योगदान जो है इसका हमें नज़र आ सकता है, सीधे तौर पे जो असर है वो हम देख पाएंगे अर्थव्यवस्था को भी, क्योंकि 2026 में जैसा विजय जी आपने कहा कि बड़े बदलाव जो हैं वो देखे जाएंगे। और अभी तक अगर सरल शब्दों में कहें तो हम देखते थे कि कैसे जिला स्तर पर किसी तरह का पूर्वानुमान किया जाता था, फिर हम धीरे धीरे ब्लॉक स्तर पर पहुँचे, और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तकनीकी रूप से हम सक्षम हो रहे हैं तो जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्तर तक हम पहुँचने की कोशिश रहेगी हमारी। जी आपने सही बताया, हम ट्राई कर रहे हैं भी ग्रामीण में ग्रामीण लेवल तक या गांव के लेवल तक हम प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि तो हमारा जो अपना भारत जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है जी। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारा डिपेंड करता है भी हम कैसे फोरकास्ट करते हैं अपने वेदर को जी, एंड उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हम क्रॉपिंग के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और दूसरा हमारा जैसे आपने हमारा जो समुद्र के रिलेटेड है जी, उसमें हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमारा एक जो फिशिंग के रिलेटेड है जो फिशरमैन को हम प्रोवाइड करते हैं जी, कि आप एरिया में जा सकते हैं उस एरिया में आपको कितना फिश मिल सकता है, उसमें भी हमारे को मतलब अभी तक हमने काफी अच्छा काम किया है जी। और फ्यूचर में भी हम बहुत स्पेसिफिक अगर आप फिश का
ब्रैटी बताएंगे, हम ये फिश कैच करना चाहते हैं, तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं अभी। उसके लिए भी हम फ्यूचर में जो हमारे फिशरमैन हैं उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड कर। जी बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतर स्थिति जो है वो हमें नज़र आएगी। और इसके साथ ही डॉक्टर विजय, अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो मौसम है, कृषि के रूप, वो सारी जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या जब हम समुद्र की बात करते हैं जो मछुआरे हैं उनके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसका जो फ़ायदा है वो हम इन तमाम क्षेत्रों में भी देख सकेंगे आने वाले सालों में। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, कब बारिश होगी, कब किस तरह की परिस्थितियाँ रह सकती हैं, अभी तक भी हमने देखा कि काफ़ी सटीक अनुमान जो है वो दिए जाते हैं, आने वाले समय में और बेहतर ये नजर आएंगे, यानी हर क्षेत्र के लिए। जैसे अभी भी हम क्या बहुत सारी सर्विसेज देते हैं जी, चाहे वो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है उसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, एग्रीकल्चर में हम अपना सर्विसेज देते हैं, सिमिलरली हम जो ओशन में है उसमें हम स्टेट फोरकास्ट देते हैं जी, जो बहुत सारी हमारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उसको यूज करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप ओशन का रिलेटेड बताएं, जो हमारा स्टेट फोरकास्ट देते हैं उसको हम शिपिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम जो हमारा स्टेट फोरकास्ट है ये हम अपने भारत में ही नहीं, हमें जो भी जितने भी हमारे नज़दीक के जितने भी ओशन कंट्रीज हैं, ओशन रिम कंट्रीज जितने भी होते हैं, हम सब उनको भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सुनामी वार्निंग है वो हम उनको शेयर करते हैं, ताकि जो भी हमारा जो कोई नुकसान सुनामी आने से पहले ही हम उसको अपना प्रेडिक्ट कर सकें, और हम जो भी हमारे को कुछ एक्शन लेना है जो हम बोल सकें। तो बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा काफी इनपुट रहता है। तमाम जो हम कह सकते हैं सेवाएं जो हैं और बेहतर होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से बेहतर रहेगा और इसके जरिए और भी जो ज़्यादा लाभ हैं हमें मिल पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से, जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद, मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है सारा हिंदुस्तान इसमें जुड़ जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज की इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में, और आइए अब बात करते हैं गतिमान होते सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्गों की। वर्ष 2013 और 14 के मुकाबले अगर देखा जाए 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है, यानी 2013-14 की तुलना में अगर हम देखते हैं तो 2014 में नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर थी, और अब की अगर बात की जाए यानी 2023 में ये आंकड़ा 146,145 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। 60% का इजाफा इसमें हुआ है, किस तरीके से विकास ने रफ्तार पकड़ी है, और वहीं अगर हर तरीके से निर्माण कार्यों की जब हम बात करते हैं काफ़ी लाभ इसका मिलता है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, अनुराग जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, सचिव हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले अनुराग जी जानना चाहेंगे आपसे हम किस तरीके से अगर देखा जाए 2013-14 के मुकाबले 2023 की जब हम बात करते हैं, इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदला और काफ़ी गति के साथ हम कह सकते हैं सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है वो भी काम कर रहा है। बहुत इसमें फर्क आया है जी, क्योंकि बेसिकली सरकार का एक फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा जब पिछले साल बजट हुआ था जी, कि पिछले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 3 गुना हो गया, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 10 लाख करोड़ का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। उसके अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट भी बढ़ा है जी, हमारे बजट लगभग 13-14 का, जैसे आपने प्रश्न किया तो 13-14 से यदि तुलना करें
तो 9 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, लगभग 10 गुने के आसपास हमारा बजट हुआ है, 9 गुने के करीब जी। उसका परिणाम सड़कों में दिखा है, एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्टडी कराई गई थी कि कहाँ कहाँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉरिडोर से उस हिसाब से कहाँ सड़कें बननी चाहिए, किस प्रकार की सड़कें बननी चाहिए। तो जो आपने अभी दिखाया अपने न्यूज स्क्रिप्ट में कि 60% सड़क बनी, वो 60% तो सड़क को हमने नेशनल हाईवे का नाम दिया, नई सड़क की घोषणा, बट क्वालिटी जो है 60% बेसिक सड़क की लेंथ में फर्क है, बट क्वालिटी को देखें तो 4 लेन इज अ मच सुपीरियर क्वालिटी रोड। यदि आप देखेंगे तो 4 लेन है, उससे अधिक के सड़कों को यदि हम देखते हैं उनमें 2.5 गुने की वृद्धि हुई, 18,000 किलोमीटर होती थी, आज 46,000 किलोमीटर से ऊपर। तो जो 2.5 गुने की वृद्धि हुई, ये दिखाता है कि हमारे क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें हाई स्पीड कॉरिडोर्स, जिसको हमें कहना चाहिए एक्सेस कंट्रोल रोड्स, जैसा आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो इस प्रकार के उधर अमृतसर जामनगर बन रहा है जी, हाई स्पीड एक्सप्रेस वे, खास हाई स्पीड, जिसको कि एक्सेस कंट्रोल, जिस प्रकार के आप लोग डेवलप्ड कंट्रीज में देखते होंगे, एक बार आप घुसते तो कई किलोमीटर तक आप उसके बाहर नहीं जा सकते, और इसलिए कोई भी आड़ा तिरछा ट्रैफिक बीच में आपको आगे परेशान नहीं कर सकता जी। ये एक्चुअल में लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार चल रहा है तो जैसे हमारी जो लॉजिस्टिक की स्पीड आती है ट्रक की एवरेज 45-47 किलोमीटर के आसपास पर आर की जी, वो बढ़ के 80 किलोमीटर हो जाती है। तो ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर है 2013-14 में हमारे देश में केवल 350 किलोमीटर थी जी, आज ये लगभग 4,000 किलोमीटर हो गई, 10 गुना बढ़ गई। बिल्कुल जी अनुराग जी, लेकिन इसके साथ अगर हम बताऊंगा आपको जी, वो होता है कि मिनिमम सड़क जो है हमारी वो 2 लेन से छोटी वाली सड़क कहते हैं, 1 लेन और 1.5 लेन को भी हम लोग जो जब नया नया डिक्लेयर होता है राज्य सरकार से लेते हैं जी, तो वो सड़क को नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो 2013-14 में 91,000 में से 27,000 किलोमीटर जो थी जी, वो हमारी 2 लेन से छोटी सड़क थी, या तो सिंगल लेन की सड़क थी या 1.5 लेन की सड़क जी। ये जो 27,000 किलोमीटर है आज कम होके 14,000 किलोमीटर रह गई है, तो टोटल लेंथ बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर हुई, और छोटी सड़कों की संख्या कम होके केवल 10% पे 14,000 किलोमीटर पे आ गई। ये दर्शाता है कि केवल लंबाई नहीं बढ़ी है, इसकी गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आया है जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ अनुराग जी अगर खासतौर से हम बात करें ईयरली जब देखा जाए, क्योंकि पहले शायद काफ़ी कम था जब हम बात करते थे कि एक वर्ष में कितना किलोमीटर हम सड़क बना पाते हैं, आज के समय की अगर बात की जाए तो शायद उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, जब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी बना रहे, सबसे महत्वपूर्ण हमारे कंस्ट्रक्शन की स्पीड में बड़ी तेजी आई। 2013-14 के आसपास के पीरियड को देखें तो हमारे यहाँ साल में करीब 11 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर बनती थी, 4,500 किलोमीटर एक साल में बनती थी। आज लोग 10,000-12,000 किलोमीटर के रेंज में बना रहे हैं हर साल। इस साल हमारा लक्ष्य 13,800 का है, और हमें एक रीजनेबल विश्वास है कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे। जैसे इसी साल में लें, लगभग दिसंबर तक पुराने सालों का हम लोग यदि आंकड़ा देखें तो दिसंबर तक लगभग 45% एनुअल टारगेट पूरा होता है। दिसंबर से मार्च एक मेजर काम होता है, एक्चुअली दिसंबर से जुलाई जून तक काम मेजर होता है जी। तो दिसंबर से मार्च में बहुत तेजी से काम होता है जी। तो हम दिसंबर तक ही 6,200 किलोमीटर पहुंच गए, जो पिछले सालों की तुलना में करीब 15-20% ज्यादा है। तो हमें एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 13,800 किलोमीटर का जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की ओर अग्रसर जी। अनुराग जी, और खासतौर से टोल प्लाजा पे वेटिंग टाइम की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमने देखा काफ़ी अब कमी जो है वो आ चुकी है, करीब 47 सेकंड का एक एवरेज टाइम जो है वो शायद अब टोल प्लाजा पे रह गया, जो पहले कभी शायद 12 से 13 मिनट तक भी जाता था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग जी। जब पहले ये एवरेज हमारी 12 मिनट के ऊपर थी, उस समय सारा कैश ट्रांजेक्शन था, ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन में समय लगता है जी। अब हमारा 98% से ज्यादा कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से, फास्टैग को शुरू में 2017 के आसपास एक्सपेरिमेंटल शुरू किया गया था, फिर उसके 3 साल बाद हम लोगों ने इसको कंपलसरी कर दिया जी। कंपलसरी करने का अर्थ ये हुआ कि अब यदि जो आदमी कैश में देता है उसे एज अ सिस्टम दुगना पैसा देना पड़ता है, तो उसके चलते अधिक से अधिक लोग, और फैसिलिटेशन किया, ये 3 साल जो काम चला फैसिलिटेशन किया, तो अधिकाधिक लोग
जी अपने आप ही फास्टैग में कन्वर्ट कर, तो फास्टैग की वजह से काम बहुत तेजी से होगा जी। आगे हम उसके जो सैटेलाइट पोजीशन का होता है इस प्रकार की नई टेक्निक्स पर भी काम कर रहे हैं, एक बार वो आ जाएगा तो जीरो टाइम हो जाएगा, 47 सेकंड भी कम होकर जीरो हो जाएगा जी। तो उसके पायलट हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसा कि पार्लियामेंट के दौरान हमारे मंत्री जी ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि हम लोग मार्च तक इसका पायलट शुरू कर देंगे, हम लोग उसको और भी अग्रसर जी। एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा यहाँ अनुराग जी, भारतमाला योजना फेज वन की अगर बात की जाए तो उसके तहत किस तरीके से जो विकास है वो लगातार हो रहा है? भारतमाला परियोजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, है जिसमें 34,800 किलोमीटर का लक्ष्य था हमारा। उस 34,000 किलोमीटर के सामने करीब करीब 27,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स हम लोग अवार्ड कर चुके हैं, जिसमें से 15,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है जी। जैसे उदाहरण के लिए मैं केवल एक सड़क को पकड़ना चाहूंगा, से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो हम लोग बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई कार से जाने में आदमी को 24 घंटे का समय लगता है जी, ट्रक से उसे 72 घंटे का समय लगता है आज की डेट में, था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पार्ट बन के तैयार है जी। का दिल्ली से लालसोत तक जो जयपुर के निकट है जगह, और मध्य प्रदेश का पोर्शन उज्जैन से लेके गरुड़ से लेके मंदसौर जिले में एक जगह पड़ती है, जिस वहां से लेके झाबुआ गुजरात बॉर्डर तक का वो काम होके उसे पब्लिक के लिए खोला जा चुका है, उसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है जी। अब मार्च तक हम दिल्ली से लेके सूरत तक लगभग पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टिंग बीच में एक टनल नहीं बनेगी तो उसको हम लोग पुराने रास्ते पे चलेंगे जी, और दिसंबर 24 तक होते होते हम लोग बॉम्बे तक पहुंच जाएंगे, और उसका जो आखिरी लेग बचेगा बॉम्बे से जेएनपीटी पोर्ट का, क्योंकि ये सारा काम लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। तो वो पोर्ट वाला काम 2025 मार्च तक पूरा होगा। पर यदि हम दिल्ली मुंबई की मोटी बात करें, यानी अगर देखा जाए जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बेहतर होती हुई हमें नज़र आएगी। फिलहाल यहाँ अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से गतिमान हो रहे हैं हमारे सड़क परिवहन और जो राजमार्ग हैं, और भी तेज़ी के साथ आने वाले समय में इन पर जो निर्माण कार्य होता नज़र आएगा, जिससे लॉजिस्टिक का जो समय है वो भी कम बचेगा और बेहतर कनेक्टिविटी आने वाले समय में इस देश में मिल सकेगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।